What is the work done in creating a system of two charges? दो चार्जेस एट अ सेपरेशन ऑफ एट सम सेपरेशन लिख लेते हैं, एट सम सेपरेशन देखते हैं। तो मैं एक रीजन बना लेता हूं, एक्स वाई एक्सिस की रीजन हो जाता है। तो सपोज मैं एक चार्ज लेकर आता हूं इन्फिनिटी से, किसी एक पॉइंट पे रख देता हूं, मैंने यहां रख दिया ये चार्ज, और लेट दैट पॉइंट बी आर वन। तो व्हाट इज माई वर्क डन? माई वर्क डन इज जीरो। फर्स्ट चार्ज को रखने में मेरा वर्क डन जीरो है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये चार्ज बिना किसी रेजिस्टेंस के रखा गया है। पहले से यहां पर कोई और चार्ज नहीं था जो इस चार्ज के आने वाले जो एक्ट है उसको अपोज करे। देखिए, फिजिक्स में वर्क तभी माना जाता है जब वो किसी चीज के खिलाफ किया जाए, जब आपको एनर्जी खर्च करनी पड़े। यहां कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ी और इसीलिए यहां वर्क डन जीरो हो गया, है ना? नाउ ये तो क्यू वन है, पहले चार्ज को रखने के लिए वर्क डन जो है वो जीरो। अब आप क्या करेंगे, आपको सिस्टम ऑफ टू चार्जेस का क्रिएशन करना है एट सम सेपरेशन। अब क्या किया, नाउ अनदर चार्ज इज ब्रॉट इन्फिनिटी से, हम दूसरा चार्ज लेकर आए और ने यहां क्यू टू चार्ज यहां रख दिया एट सम डिस्टेंस से आर टू, है ना? तो अब ये चार्ज जो आया ये अब क्यू वन की मौजूदगी में आया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि अब क्यू टू को लाने में कितना काम लगा, क्योंकि अब ये जो जगह है अब ये क्यू वन की इलेक्ट्रिक फील्ड में समा चुकी है। अब यहां चार्ज लाना आसान नहीं होगा, आपको क्यू वन का रिपल्शन महसूस करना पड़ेगा, ठीक है? सो हम सब जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली था क्या। पोटेंशियल डिफरेंस था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, है ना, टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्योंकि पहले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड थी नहीं, क्योंकि इसके पहले कोई और चार्ज नहीं था, तो वर्क डन जीरो था। यानी कि आप समझ में आ गए कितनी यह महत्व रखता है ये स्टेटमेंट, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे बढ़ते, सो अगर हम ठीक से देखें पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जब भी आप काम कर रहे हैं फाइनल माइनस इनिशियल होता है, यानी कि आर टू पोजिशन वी आर टू और माइनस वी इंफिनिटी, ये तो लिखा जाएगा, इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्यू वन को लाने में जो सॉरी क्यू टू लाने में काम लगा वर्क डब्ल्यू वन यूनिट में लगा डब्ल्यू बाई क्यू टू, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा वन यूनिट के लिए डिफाइंड है। तो अब आप वी आर टू की बात करें, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको ला रहे उसी की इलेक्ट्रिक फील्ड कि जिसको ला रहे हो वो जिस चार्ज की एम्बियंस में एंटर कर रहा है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्वियसली उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर जिसको ला रहे होते उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही होती तो पहले केस में आंसर जीरो नहीं आता, पहले चार्ज था ही नहीं। तो अब जब जिस चार्ज को ला रहे हो वो किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्यू वन, है ना? तो सो नाउ वी हैव टू राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ क्यू वन, क्यू वन से क्यू टू की दूरी कितनी है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि यार आर वन है आर टू है, तो आप इसको आर वन टू लिख सकते हैं ना, तो के क्यू वन बाय आर वन टू, और यहां से इन्फिनिटी लिखना है तो के क्यू वन बाय इन्फिनिटी इज डब्ल्यू बाय क्यू टू। सो वी हैव कम डाउन टू द वर्क डन इन
इन क्रिएटिंग ए सिस्टम ऑफ टू चार्ज दिस वन एनीथिंग बाय इन्फिनिटी तो जीरो होता है. सो वर्क डन डब्ल्यू निकाल लीजिए के मल्टीप्लाई के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू. दैट इज हाउ वी कम टू द डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन कॉल्ड वर्क डन इन क्रिएटिंग अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज क्यू वन क्यू टू. नाउ नाउ लेट्स फाइंड आउट टू क्रिएट अ सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज. देखिए लेंथी लेक्चर्स हैं इन चीजों समझने के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस. तो देखिए अब हम पिछला किया हुआ काम जो है उसकी सहायता लेंगे. पहले चार्ज को रखने में W1 को रखने में काम लगा जीरो किसी पोजीशन R1 पे. फिर दूसरा चार्ज जो है वो अब Q1 के रहते आया लिया गया है. तो अब 1-2 सिस्टम बनाने में हमने साबित किया कि के क्यू वन क्यू टू बाय आर वन टू हमारा वर्क डन होगा. ठीक है, इसको बोलेंगे क्यू टू. अब सपोज हम एक चार्ज एक और लेकर आते हैं इन्फिनिटी से क्यू थ्री. अब क्या है कि वो क्यू वन के दायरे में भी क्यू वन की मौजूदगी में भी लाया जा रहा है और क्यू टू की मौजूदगी में भी लाया जा रहा है. क्यों ना हम क्यू टू क्यू थ्री को लिख दें आर टू थ्री और क्यू वन क्यू थ्री को लिख दें आर वन थ्री. तो अगर हम सबसे पहले अलग अलग निकालें सपोज 1-3 उसको तवज्जो दे देते हैं वो पहले आया था बेचारा, तो क्या होगा वर्क डन क्या होता है हमेशा जो चार्ज लाया जा रहा है क्यू थ्री मल्टीप्लाई बाय द पोटेंशियल डिफरेंस. कौन सा? हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि आप काम कर रहे हैं. जब भी एक्सटर्नल सोर्स काम करता है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल. और पोटेंशियल किसकी होती है? जिस चार्ज की मौजूदगी में लाया जा रहा है. अब समझ में आ रहा होगा आपको चीज धीरे धीरे. तो फाइनली चार्ज तो पहली बार लिया जाएगा क्यू वन और फाइनल पोजीशन क्या थी ये वाली आर थ्री, इसको लिखना है आर थ्री. तो ये डिस्टेंस कितना आर वन थ्री हो गया. आर वन थ्री माइनस इनिशियल कहां था? इन्फिनिटी पे के क्यू वन बाय इन्फिनिटी. ये सारी चीजें हमेशा इन्फिनिटी से चालू होती है भाई. तो क्या आया के क्यू वन क्यू थ्री अपॉन आर वन थ्री. अब ये हमारा काम तो खत्म हो गया Q1 को लेके. अब बारी आती है 2 को लेकर. तो 2-3 निकाल लेते हैं. इसमें जिस किस चार्ज को ला रहे हो? थर्ड चार्ज को ला रहे हो. किस चार्ज की मौजूदगी में? Q2. तो हम लिखेंगे V final minus V initial. This is for Q2. And then we can write K Q2. Yes or no? क्योंकि बात Q2 की हो रही है. फाइनली क्या पोजीशन क्या डिस्टेंस है Q2 Q3 में? R23 माइनस K Q2 डिवाइडेड बाय इनफिनिटी. सो क्या आया K Q2 Q3 अपॉन R23. सो दैट इज द वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ सेकेंड चार्ज. सो टोटल वर्क डन क्या हुआ? टोटल वर्क डन टोटल हुआ 1-2 बनाने में, 1-3 बनाने में और 2-3 बनाने में. ऐसा नो? तो कितना आया ये के क्यू वन क्यू टू बाय आर वन टू प्लस के क्यू टू क्यू वन क्यू थ्री बाय आर वन थ्री प्लस के क्यू टू क्यू थ्री अपॉन आर टू थ्री. अब आपके पास बहुत सिंपल तरीका है निकालने का वर्क डन फॉर एन नंबर ऑफ चार्जेस. आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं. आप क्या करते हैं, आपके पास तीन चार्जेस थे यहाँ पे, आपने हमेशा तीन में से दो को ही लिया. तो जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स आने चाहिए तीन और कॉम्बिनेशन लगाकर 3C2 लगाकर आप सॉल्व कर सकते हैं कि कितने टर्म्स आने चाहिए. अगर मैं आपको चार चार्ज दे दूंगा तो फिर आप कैसे निकालोगे नंबर ऑफ टर्म्स? 4C2. ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा. और चार चार्जेस तक के लिए क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है. तो अगर आपको पहले से पता हो कि 6 टर्म है तो आप कॉम्बिनेशन बनाने में गलती नहीं करोगे. ठीक है, तो जितने भी चार्जेस दिए रहते हैं आपको अगर वर्क डन निकालना है तो यू शुड ऑलरेडी नो द नंबर ऑफ टर्म्स. हालांकि 6 टर्म्स अपने आप में काफी होते हैं, 5 चार्जेस के बारे में कोई नहीं पूछेगा. 6 टर्म्स काफी हैं तो 4 चार्जेस के बारे में पूछा जा सकता है. तो ये ऐसा हमने आपके सामने सिस्टम क्रिएट किया 2 चार्जेस का 3 चार्जेस का और वर्क डन इन क्रिएटिंग अ सेटअप ऑफ 2 एंड 3 चार्जेस आपको बताया.